Let's start with today's topic. Very well, in our previous class, we have been starting the topic P-block elements, right? And in P-block elements, we have been started the chemical properties of boron family. Due to some technical reasons, the boron family chemical properties was couldn't explain very well. So I will start in the first 5 minutes. The first topic, that is reactivity towards air. Let's start reactivity towards air. As we know very well that boron is something which shows anomalous behavior. Boron shows anomalous behavior. That means it doesn't explain, it has some small size, it has some high ionization enthalpy. So it doesn't show many type of reactions. But aluminium can easily react with oxygen to make aluminium oxide. इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था थोड़ा सा कि हमारा जो एल्यूमिनियम है वो ऑक्सीजन के साथ इजीली रिएक्ट है और वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है जी। अदर देन दैट हमारा जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है जब ये एक बार फॉर्म हो जाता है, दिस मेक्स अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम, दिस मेक्स अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम, राइट। ये प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करेगा तो उसका रीजन क्या होगा कि फर्दर जब हम ऑक्सीजन का या वाटर का एल्यूमिनियम के ऊपर रिएक्शन करना स्टार्ट करेंगे, इट वुड नॉट बी दैट मच इजी, इट वुड नॉट बी दैट मच कैपेबल। यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बनने के बाद एल्यूमिनियम फर्दर रिएक्ट नहीं कर पाए, एल्यूमिनियम फर्दर रिएक्ट नहीं कर, ठीक है जी। दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट। Other than that, we have, if I'm talking about all my different metals that I'm having, gallium, indium, potassium, sabke supply fixed nature hoga, that is E2O3. Us sab E2O3 ki formation karenge. Agar main gallium ki baat karu, so it will make gallium twice O3. Indium ki baat karu, potassium ki baat karu, but अगर मैं अपने पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बोरोन फैमिली की नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके देखूं तो वो ऑक्साइड की बजाय नाइट्राइड की फॉर्मेशन करेंगे ऑन द रिएक्शन विद नाइट्रोजन एंड दे विल मेक EN। देयर ई स्टैंड्स फॉर बोरोन फैमिली एंड EN दैट मींस कि बोरोन फैमिली और नाइट्रोजन आपस में कंबाइन, ठीक है जी। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माय एल्यूमिनियम, इट विल रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू मेक AL। मान लीजिए ऐसा कुछ आपका फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक, दिस इज नोन टू बी एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ऑलराइट। नाउ अदर देन दैट, एल्यूमिनियम नाइट्राइड की ही हमने पॉसिबिलिटी ज्यादा देखी है, बाकी आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी आपके डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स हैं, उनमें नाइट्राइड की फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है। यानी एल्यूमिनियम नाइट्राइड तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, यूनिवर्स में मिलता है, उसकी स्टेबिलिटी भी काफी ज्यादा है, बट अगर मैं गैलियम की, इंडियम की या थैलियम की बात करूं, वो इतना ज्यादा नाइट्राइड की फॉर्मेशन नहीं कर पाते, ठीक है जी। रीजन बीइंग दैट, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी कम होती है, जो हमने कल स्टडी किया था। नाउ इन द केस ऑफ ऑक्साइड, जैसे जैसे हम डाउन द रूट मूव करते हैं, हमारे जो ऑक्साइड्स है उनका एसिडिक करेक्टर डिक्रीज होता रहता है, एसिडिक करेक्टर डिक्रीजेस डाउन द रूट। व्हाट आई एम सेइंग, कि जब भी हम एसिडिक करेक्टर की बात करते हैं, एसिडिक करेक्टर हम अपना ऑब्जर्व करते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का, उनके केस में एसिडिक करेक्टर डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। सपोज अगर मैं बोल रही हूँ मेरे पास फर्स्ट है बोरिक ऑक्साइड B2O3, दैट इज एसिडिक इन नेचर। फर्दर अगर मैं चलूं तो मेरे पास है एल्यूमिनियम ऑक्साइड विच इज एम्फोटेरिक इन नेचर, एंड फर्दर अगर मैं गैलियम इंडियम की बात करूं, उनको मैं कंबाइनली E2 से मेंशन कर रही हूं, वो सब है आपके बेसिक। यहां पर E का मतलब क्या है, यहां पर E का मतलब है गैलियम इंडियम एंड थैलियम, जितनी भी मेटल्स है आपके वो बाकी के सब बेसिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन है, ठीक है जी। नाउ द पॉइंट इज कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बारे में हमने बोला कि एम्फोटेरिक इन नेचर। आप लोगों ने सुना होगा एम्फोटेरिक हम किसको बोलते हैं, एम्फोटेरिक वो कंपाउंड्स होते हैं जो एसिडिक भी होते हैं
और जो बेसिक भी होगी, या फिर मैं इसको और अगर कंसाइज फॉर्म में बोलूं तो ये बेस की तरह, बेस के साथ रिएक्ट करते टाइम एसिडिक की तरह रिएक्ट करते हैं और एसिड के साथ रिएक्ट करते टाइम बेसिक की तरह बिहेव। यानी एम्फोटेरिक आर दोज ऑक्साइड्स व्हिच कैन बिहेव एज एसिड एज वेल एज बेस, और ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ हमें इसमें देखने को मिली है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्लियर है जी? तो फर्स्ट हमने पढ़ा रिएक्टिवेटेड मोड्स एयर, जिसमें हमने बोला कि बोरोन की टेंडेंसी ऑक्साइड बनाने की बहुत कम है बट अमाउंट में फॉर्मेशन करता है व्हिच इज एसिडिक इन नेचर। एल्यूमिनियम जो रिएक्शन टुवर्ड्स एयर, नाइट्रोजन के केस में हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि सिर्फ और सिर्फ हमें एल्यूमिनियम का ही नाइट्राइड देखने को मिलता है, बाकी बोरोन की रिएक्टिविटी भी कम है और गैलियम की रिएक्टिविटी भी कम है, तो उनकी नाइट्राइड की फॉर्मेशन हमें शो नहीं होगी। ठीक है जी? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज सेकंड पॉइंट, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, जो भी आपके एल्यूमिनियम मेटल है आपकी या फिर जितने भी मेटल्स हैं, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, दे मेक हाइड्रोक्साइड, दैट इज EOH थ्राइस, EOH। ठीक है जी? बोरोन एज यूजुअल एनामलस बिहेवियर है, ऑक्साइड तो फिर भी बना देते हैं कम अमाउंट में, लेकिन बोरोन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, बोरोन डजंट रिएक्ट विद वाटर। अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो यस, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, इसकी फॉर्मेशन करेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी? रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिएगा, वी विल गेट लाइक दिस, और साथ में H2 गैस रिलीज करेगा एल्यूमिनियम, और रिएक्शन विद वाटर इट विल मेक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। ठीक है जी? सेम एज इट इज, जैसे मैंने आपको नाइट्रोजन के केस में बताया था कि सिर्फ और सिर्फ हमें एल्यूमिनियम नाइट्राइड ही देखने को मिलता है, आपके जो डिफरेंट मेटल्स हैं गैलियम इंडियम थैलियम, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, डजंट रिएक्ट विद वाटर। इसमें मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगी बिकॉज आप लोग देख ही सकते हो ट्रेंड, चाहे मैंने एयर की बात की चाहे मैंने वाटर की बात की, सिर्फ हमें एल्यूमिनियम का ही कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। सेम एज इट इज मैं ऑक्सीजन के केस में बात कर। ठीक है जी? फर्दर मूव करते हैं हम अपनी थर्ड रिएक्शन पर, व्हिच इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड एंड बेस। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड एंड बेस, आई होप यू हैव नोटेड द टॉपिक। Reactivity towards acid and base. All right. What is the reactivity of our boron family towards acid and base? First point is boron doesn't react with acid and base. Now, जिस तरीके से हमने देखा था कि एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होता है, सेम एज इट इज हमारा एल्यूमिनियम अगर मैं किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ उसकी रिएक्शन करूं तो इट विल मेक एल्यूमिनियम हैलाइड। कोई भी आपका स्ट्रॉन्ग कंपाउंड होगा, जैसे कि मैंने HCl के साथ रिएक्ट किया, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब एल्यूमिनियम इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो इट इज फॉर्मिंग AlCl3। ठीक है जी? AlCl3 और साथ में H2 AlCl3 3H। नाउ एल्यूमिनियम बेस के साथ रिएक्ट करता है और
गैलियम इंडियम और थोरियम वीक मेटल है ना, जैसे हम डाउन द रूट जाते हैं तो इंडियम थोरियम और गैलियम बहुत वीक मेटल, तो मेटेलिक बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से उनके पास टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज इतना स्ट्रॉन्गली नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो आपकी बाकी की मेटल्स हैं उनकी भी केमिकल रिएक्टिविटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है जी। अब अगर मैंने एल्युमिनियम का एग्जांपल लिया था आपको एसिड और बेस को एक्सप्लेन करने, मैंने सिर्फ इतना बताया कि एल्युमिनियम जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हैलाइड बना सकता है और बेस के साथ रिएक्ट करके एक नए टाइप का कंपाउंड बनाता है, एक स्पेशल टाइप का कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्युमिनेट, ठीक है जी। पूरे के पूरे बोरोन फैमिली में अगर कोई केमिकल रिएक्टिविटी इंपॉर्टेंट है तो वो सिर्फ है हैलाइड्स, यानी जब आपकी बोरोन फैमिली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो वो कैसे रिएक्ट करती है और किस तरीके से उसकी फॉर्मेशन। तो क्लास आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज में वो है हाउ बोरोन फैमिली मेक द हैलाइड्स, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। ओके, सो नाउ व्हेनेवर वी आर गोइंग टू रिएक्ट विद आवर हैलोजन, ऑल माय मेटल ऑफ ग्रुप 13 दे आर मेकिंग EX3, वेयर EX3 मींस E जो है वो आपका स्टैंड कर रहा है पूरे की पूरे ग्रुप 13 मेटल का और X2 है वो बता रहा है हैलोजन के बारे में, दैट मींस सोडियम क्लोरीन ब्रोमीन आयरन, ठीक है जी। नाउ हमारी हर एक ग्रुप 13 की मेटल वो बहुत इजीली हैलोजन के साथ रिएक्ट करती है। सपोज मैं पहले बोरोन के साथ शुरुआत कर रही हूं, इज मेकिंग BX3, ठीक। एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कर रही हूं, यहां पे बना दिया AlX, गैलियम इंडियम सबके सब हैलोजन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं एंड दे आर मेकिंग हैलाइड्स, ठीक है जी। नाउ अदर पॉइंट इज कि जब भी आपके हैलाइड्स की फॉर्मेशन होती है, जैसे जैसे हम इनको डाउन द रूट चेक करने की कोशिश करते हैं तो एसिडिक करेक्टर डाउन द रूट डिक्रीज होता रहता है। व्हाट आई एम सेइंग, एसिडिक करेक्टर ऑफ दीज हैलाइड्स डिक्रीज डाउन द रूट। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको एक छोटा सा टॉपिक बताया था कि जितने भी आपके हैलोजन्स के साथ कंपाउंड फॉर्म होते हैं वो सब के सब लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, राइट। और मैंने आपको कल ये भी एक्सप्लेन किया था कि इनको लुईस एसिड क्यों बोला जाता है। अगर मैं BF3 की बात करूं, बोरोन जो है उसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में वैलेंस शेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के अंदर भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल के, दैट मींस टोटल 3 6 और है। तो क्योंकि आपका जो बोरोन फैमिली है जब वो हैलाइड्स बनाती है तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्टेट बनाते हैं, यानी वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इसीलिए वो किसी भी स्ट्रॉन्ग कंपाउंड के साथ जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, वो वहां से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी की वजह से अगर मैं सपोज बोलूं कि आपका BF3 NH3 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये अपने लोन पे इसको प्रोवाइड करा रहा है एंड इट विल मेक दिस टाइप ऑफ एडक्ट। एडक्ट क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे अमोनिया और BF3 दोनों एक साथ एड होके कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक दूसरे के साथ कंबाइन, कोई आयनिक बॉन्ड नहीं है यहाँ, ठीक है जी। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं इसीलिए हम इनको बोलते हैं लुईस एसिड। टेंडेंसी ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड लुईस एसिड। लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो लुईस एसिड जो है वो भिखारी की तरह बिहेव करते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और इसीलिए वो बाकी दूसरे कंपाउंड्स के पास जाते रहते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, ठीक है जी। तो हमें इतना कि सारे के सारे हमारे कंपाउंड एसिड,
लेकिन जैसे जैसे हम डाउन द रूट मूव करेंगे बोरोन से इंडियम की तरफ हम ट्रेवल करते हैं तो ये एसिडिक करेक्टर कम होता जाता है। तो क्या बोलूंगी मैं, BH3 is much stronger acid as compared to KLX3, as compared to gallium, indium and thallium. Right? अब क्वेश्चन आता है इनकी एसिडिक करेक्टर में इतना वेरिएशन क्यों है? उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो जो भी इलेक्ट्रॉन फर्दर आएंगे न्यूक्लियस उसको इतना स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन कम हो जाता है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन डिक्रीज। ठीक है जी, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन कम हो गई यानी इलेक्ट्रॉन इतना खुशी से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, इसीलिए डाउन द रूट जाते टाइम एसिडिक करेक्टर डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पेसिफिकली दिस एक ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे के पूरे केमिकल प्रॉपर्टीज में, जो कि हमारा क्या है, हमारे एसिड्स हमारे जो हैलाइड्स हैं वो ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव करते हैं और उनका एसिडिक करेक्टर उसका ट्रेंड क्या है डाउन द ग्रुप, वो चीज हमने चेक। ठीक है जी, चलिए अब इसमें छोटी सी बात आपको बतानी है एल्यूमिनियम के केस में। आपका जो एल्यूमिनियम है इफ इट इज रिएक्टिंग विद क्लोरीन, हैलाइड्स की बात कर रहे हैं उसी उसी टॉपिक में कंटिन्यू कर रहे हैं। कि जब मैं एल्यूमिनियम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा तो ये बना रहा है AlCl। ठीक है जी, अब क्योंकि आपका AlCl3 एक ल्यूइस एसिड है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसके अंदर, इस रीजन की वजह से आपका जो AlCl3 है ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब ये है कि AlCl3 दूसरे AlCl3 के साथ ही रिएक्ट कर रहा है ताकि दोनों की वैलेंसी कंप्लीट हो जाए। ठीक है जी, तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी कुछ होगी, स्पोंसेस AlCl3। नेक्स्ट, ये जो बॉन्ड है ये मेरा कौन सा बॉन्ड है, दिस इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आ रही है बात? यानी यहाँ पर एल्यूमिनियम और क्लोरीन सेम एज इट इज, यहाँ पर ये वाला क्लोरीन और ये वाला एल्यूमिनियम, एक AlCl3 ये वाला है फर्स्ट मोड और ये आपका सेकेंड मोड। इन दोनों मोड्स को जब मैं आपस में कंबाइन करती हूँ तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, डाइमर की तरह, दैट मींस Al2Cl6। डाइमर का मतलब क्या है बच्चे, डाय मींस टू और मर मींस मोलिक्यूल्स, यानी एक ही कंपाउंड के जब दो मोलिक्यूल एक साथ कंबाइन होके स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं डाइमर। ठीक है जी, तो आपका AlCl3 के बजाय Al2Cl6 की फॉर्म में आपको ज्यादा शो होगा, ज्यादा प्रेफर करेगा। ठीक है जी, सो दिस वाज द पॉइंट आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी हैव ओनली द लास्ट पॉइंट इन द केमिकल रिएक्टिविटी व्हिच इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक मैंने अभी आपको बता रखा है केमिकल प्रॉपर्टीज में यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ग्रुप 13। ठीक है जी, चलिए लास्ट पॉइंट है आपका फिफ्थ पॉइंट, व्हिच इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी
towards hydrogen. जब भी आपके मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे दे विल मेक हाइड्राइड्स और हाइड्राइड्स का एक सिंपल सा फॉर्मूला है EH3। जैसे कि आपने NH3 बनाया था ना अमोनिया का, नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर हाइड्राइड बना था, सेम एज इट इज आपके बोरोन फैमिली में जो है वो H3 की फॉर्म में कंबाइन, सो दे आर मेकिंग BH3, AlH3 एंड गैलियम हाइड्राइड, इंडियम हाइड्राइड और टेरियम हाइड्राइड। ठीक है जी, सेम एज आपका जो BH3 है ये भी डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। अभी मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या तो वो एक दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेंगे जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, या फिर वो अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होंगे डाइमर के फॉर्म में स्टेबल हो जाए। सेम एज इट इज आपका जो BH3 है ये B2S6 के फॉर्म में स्टेबल होता है और इसको हम बोलते हैं डाइबोरी। इसके अंदर होती है बनाना बॉन्डिंग के बारे में, डाइबोरिंग के बारे में आप पढ़ोगे क्लास 12th में, बट यहाँ पर मुझे थोड़ा सा आपको हिंट देनी थी कि ये टॉपिक है जो आप लोगों ने रिवाइज करना है फर्दर जाकर, कि आपका जो बोरोन है वो डाइबोरियम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी दो बोरियम और सिक्स हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोकार्बन होता है ना CH4 मीथेन, सेम एज इट इज B2H6 इज फॉर्मिंग विद डाइबोरियम व्हिच फॉर्म्स बाय द बनाना बॉन्ड, राइट। ओके, फर्दर मैंने आपको वीक लीविंग एसिड के बारे में बता दिया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के बारे में बता दिया, एक छोटी सी बात और बतानी पड़ेगी है। इसी के केस में बोरोन फैमिली के हैलाइड्स के केस में अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली बोरोन का ही, मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट हैलोजन्स के साथ अटैच हो रहे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयरन, तो होना क्या चाहिए अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी BF3, BCl3, BbR3 एंड Br3, यानी कि आपका जो BF3 है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू अदर वन, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो फ्लोरीन है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये अपनी इलेक्ट्रॉन बोरोन को बहुत इजीली अटैच करा सकता है और उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होना, बट एक्चुअल में ऐसा ट्रेंड देखने को नहीं मिलता। ये जो ट्रेंड है ये बिल्कुल रिवर्स हो जाता है, इट बिकम्स BF3, BCl3, BbR3 एंड Bi3। The reason behind this is p pi backbone। क्या बोल रही हूँ कि मान लीजिए बोरोन के केस में बोरोन अलग अलग हैलोजन्स के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो उन हैलोजन के साथ बोरोन के साथ स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ रही है, ज्यादा इंक्रीज हो रही है, और उसके जो पीछे रीजन है वो है p pi backbone। ठीक है जी, अभी बैक बॉन्डिंग क्या है, बैक बॉन्डिंग बच्चे बेसिकली आपको ये बताती है कि जो एलिमेंट्स आपके थर्ड पीरियड के अंदर है, थर्ड पीरियड यानी क्लोरीन ब्रोमीन आयरन जो थर्ड पीरियड से स्टार्ट होते हैं, जिनके पास बी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। ठीक है जी, तो जिन एलिमेंट्स के पास डी ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी डी इलेक्ट्रॉन्स को बोरोन के एम्प्टी ऑक्टेट में, वेकेंट ऑक्टेट में प्रोवाइड करा सकते हैं, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट BCl3, मान लीजिए आपका बोरोन है और इसका एम्प्टी ऑक्टेट है, ठीक, यहाँ पे आपका क्लोरीन है और इसके पास ये शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, दिस इज योर क्लोरीन और इसके पास ये डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स है। हमें पता है हमारा जो डी ब्लॉक है उसकी जो शेप होती है वो ऐसी होती है, डंबल शेप, आप लोगों ने पढ़ा है 11th क्लास की चैप्टर नंबर 3। तो हो क्या रहा है, जो क्लोरीन के डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स है ये बोरोन के एम्प्टी ऑक्टेट में अपने इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करा,
ठीक है जी, इस रीजन की वजह से डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंट होने की वजह से इनके बीच जो स्टेबिलिटी है वो स्ट्रॉन्ग बिल्ड होगी, जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग बिल्ड होगी, और इसी वजह से BCl3 इज मच स्टेबल एज कंपेयर टू BF। ठीक है जी, और इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं बैक बॉन्डिंग का या फिर डी बाई टू बाई बैक। क्लियर आती मैम? यस सर। ओनली 5 मिनट्स आर लेफ्ट। ओके सर, ऑलराइट क्लास, सो दिस वाज द ओवर टॉपिक, वी हैव कंप्लीटेड ग्रुप 13 एंड इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज हैज बीन कंप्लीटेड। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 14 यानी कार्बन फाइव। ठीक है जी, तो टिल नाउ इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ डाउट और एनी काइंड ऑफ क्वेरी इन द केमिकल प्रॉपर्टीज प्लीज लेट मी नो। The topic is covered by my side. Yes, class, quick doubt, quick query, so please raise your hand. All right, by my side, the topic is done. You have to just remember the main two topics. First is हेलोजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, कैसे डाइमर की फॉर्मेशन होती है, क्या बैक बॉन्डिंग होती है, और डाउन द ग्रुप ल्यूस एसिडिटी कम क्यों हो जाती है, ये जो है इन्हीं पे मैंने ज्यादा फोकस डाला है क्योंकि यही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी सब में तो हमने एक जनरल ट्रेंड देखने को मिला है कि हमारा एल्यूमिनियम ही रिएक्ट करके थोड़ा बहुत कंपाउंड बना लेता है, बाकी तो कंपाउंड फॉर्म भी नहीं। ठीक है जी, सो दिस वॉज ऑल बाय माई साइड, आई एम अगेन रिपीटिंग, इफ देयर इज डाउट देयर इज क्वेरी प्लीज लेट मी नो। Neeraj sir, is there any All right, class, this was all by my side. Thank you so much.